1590 में आज ही के दिन सबसे कम समय तक पोप रहे पोप अर्बन सप्तम का निधन हुआ। आज ही के दिन 1760 में मीर कासिम बंगाल के नवाब बने। 1821 में आज ही के दिन मेक्सिको को स्वतंत्रता मिली। आज ही के दिन 1833 में महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय का निधन हुआ। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पितामह थे। 1905 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का प्रसिद्ध EMC² सिद्धांत प्रकाशित हुआ। आज ही के दिन 1907 में महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म हुआ। शहीद आजम भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दी। आज ही के दिन 1958 में मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। 1961 में आज ही के दिन सियेरा लियोन संयुक्त राष्ट्र का 100वां सदस्य बना। आज ही के दिन 1998 में इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना हुई। और आज ही के दिन 2008 में प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का निधन हुआ। महेंद्र कपूर ने B.R. चोपड़ा की फिल्में हमराज, गुमराह, धूल का फूल, वक्त और धुंध में विशेष रूप से यादगार गाने गाए। अपने लंबे करियर में महेंद्र कपूर ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। वर्ष 1968 में उपकार फिल्म के गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए महेंद्र कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त 1964, 1968 और 1975 में उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।